हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। और हो रही है हमारे यहाँ बारिश। आपके यहाँ भी बारिश हो रही है क्या? देखो, ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है, लौट लौट कर आ रही है। और अभी मैं जा रही थी दुकान, इतने मेरे हस्बैंड का बज गया ऑर्डर। अब वो ऑर्डर देने गए हैं, मेरा दर्द जो ना समझे, वो खुद बीमार हो गया बंदा, और उसके बाद भी ऑर्डर देने गया। और मेरे को कह रहा घर पे ही रही हो, अभी मत जाइयो, जब मैं आ जाऊँगा तब जाइयो तू। तो अभी वो ऑर्डर दे के आएंगे तो फिर मैं जाऊँगी दुकान। और कर लो लव मैरिज, ये लिखने वालों, अरेंज मैरिज से तो लव मैरिज बेटर है। अरेंज मैरिज में अगर आपने पूरा सम्मान नहीं दिया ना, तो आपके पास दहेज केस ठोक दिया जाएगा। फिर करते रहने ठंड ठंड ठंड, ऑर्डर ऑर्डर, यही चलता रहेगा जीवन में। और आधा भत्ता भी देना पड़ेगा तुमको। लव मैरिज में इतनी डिमांड नहीं होती। जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगी ना, आशीष तो गायब भी हो जाता है। उन्हें देखा कि मेरी तरफ मम्मी ने कैमरा करा, वो अंदर ही चलता बना, वो नहीं चाहता कि वो कभी वीडियो बनाए। वीडियो बनाना भी एक कला है, हर कोई नहीं बना पाता। कैमरे के सामने आओ और बोले जाओ, हर कोई नहीं बोल पाता। ट्राई करके देखो। मेरे हस्बैंड ने तो मेरे से सीखा आधी ज़्यादा व्लॉगिंग करना, फिर भी मेरी व्लॉगिंग में कमी निकालते हैं वो। और उनको तो खुद ही कैमरा उठा के बोलना नहीं आता। तो ये देखो क्या बढ़िया बारिश पड़ी। रमझम 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 रमझम। करुणा कैसे देख रही है आप फाड़ फाड़ के कि ऐसे बारिश हो रही है। ठटे 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 यार, बहुत ही कसके पड़ी है। देखो ये ठंड नहीं जाएगी, ये तो सारे कपड़े वापस निकलवाएगी। मैंने तो रख दिया अपनी करुणा के, दो ही स्वेटर छोड़े थे बाहर, और ये नहीं सूखे तो सोचो फिर मुझे निकालने ही पड़ेंगे और कपड़े। अब यहाँ पानी नहीं टपक रहा, मैंने यहाँ से ना पानी टपके गए यहाँ से। बेचारा नोनू ना डिलीवरी देने गया है किसी की, अब ऐसी बारिश पड़ रही है, भीग जाता है वो। तभी तो उसके साथ रहती हूँ मैं, दया आती है मुझे उस पर कि बेचारा इतनी मेहनत करता है, हमारे लिए कमाता है। वरना वो कमाता कमाता सब कुछ है, लेकिन वो पूरा एहसास दिला देता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और तुम मेरी मेहनत की रोटी खा रहे हो, मतलब जलील कर देता है। वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसलिए भगवान मुझे खुद को कामयाब कर देना एक दिन प्लीज़। मैंने कहा भी था मुझे पढ़ा पुढ़ा लो, मैं कुछ बन जाऊँगी। फिर एक दिन वो SDM मौर्य थी ना, वो उसका वीडियो उनके सामने आ गया। पहले उन्होंने कहा था फॉर्म ले आऊँगा, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया कि बिल्कुल ही नहीं लाऊँगी। मेंढक एक छाता लेके कह रहा है मम्मी बारिश करवा दो कि बारिश नहीं पड़ रही है। मैं सोच रही हूँ बारिश बंद हो जाए तो इसके पापा आराम से आ जाएं, और दोनों को बोल रही हूँ अंदर बैठ जाओ अंदर बैठ जाओ। दोनों अंदर बैठने को राजी नहीं हो रहे। मैं घर के अंदर आ गई, मेरे बच्चों को बुला बुला के थकी हूँ कि अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, ये नहीं आ रहे। अभी मेरे से पिटेंगे, मारूंगी, जल्दी आ जाओ अंदर दोनों को। दोनों आओ करुणा, बुखार आएगा, मम्मी तो बीमार, पापा भी बीमार, तुम भी हो जाओ बीमार। छाता लेके बारिश में घूमने का शौक है आशीष को, तो टैप गीला छाता अंदर लाएगा तो भी मारूंगी। रख दे इसे बाहर, पानी हो जाएगा घर के अंदर भी से लेके आएगा तो। और ये गेट ही बंद करके आ जाओ, ये है बड़े वाला गेट बंद करके आ। लेट निकलने का तरीका है ना, अब लेट आया ना तो बंद करके आ सब। बारिश में घूम घाम के हम लोग हीटर चला के बैठे हैं अंदर आके। देखो अब नहीं बिठाऊंगी तेरे को, बोल रही थी ना अंदर चला जा अंदर चला जा, बैठ के पढ़ाई कर ले। मेरे फोन में बची हुई जरा सी बैटरी और लाइट चली गई, पता नहीं आएगी नहीं आएगी बारिश के मारे। मुझे चार्ज लगाना चाहिए था अपना फोन, ये फोन देखने की गंदी लत ना बस बैटरी लो ही करवा देती है। आ जा रे नोनू आ जा, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, कहाँ रह गया तू? जी चप्पल कहाँ है तुम्हारी, चप्पल कहाँ है? हाँ उसके मम्मी नहीं जा रही। मम्मी नहीं जा रही ना? किसने कहा? पापा ने बोला था मम्मी नहीं जाएगी और तो घर में पैसे नहीं है। अच्छा हम तो दोनों बहन जा रहे हैं और पापा जा रहे हैं, मम्मी नहीं जा रही ना, भैया के पेपर है इसलिए नहीं जा रही। ये तो अच्छी बात है बाबू, हमको ऐसे नहीं जाना चाहिए, मम्मी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो तुम भी मत जाओ, बोल पापा आप चले जाओ। पापा भी जाने तो इनको जाना था शादी में। अब भाई का है एग्जाम, तो बहुत कंफ्यूजन है कि मम्मी यही रहे कि जाए, क्योंकि बाबू भी अच्छे स्कूल में पढ़ता है ना इसका भाई। ये कुछ भी लेके आती है ना, फ्रॉक वगैरह कुछ भी खरीद के लेके आती है तो दिखाती है कि देखो मेरा कितना सुंदर फ्रॉक है। तो अब इनको जाना था अपनी बुआ की लड़की की शादी में, तो जा रही तो शादी में ले आई फ्रॉक सुंदर वाली। तो ये भतैया है भात नोतने वाले, भात नोत के गई इनके बुआ, अब ये जा रहे हैं सब कुछ सामान लेके। आ गया नोनू आ गया, इसके इंतजार कर रही थी मैं कि बारिश नहीं आ रही है, जल्दी आ जाता तो मैं चले जाती फिर दुकान।
दो साल हो गए, दो साल बाद में उन्होंने मुझे बोला है कि मेरे को चाइनीज पकोड़े खिलाएगा, और ये दो साल देखती हूँ कब आएंगे जल्दी से, फिर हम दोनों चाइनीज पकोड़े खाने जाएंगे चाइना ले जाके। हे प्रभु, देखती हूँ चाइना कब लेके जाता है, गोवा ही घुमाते चाइना छोड़। चलो चलो अंदर, मैं ना दूध लेके आऊँ, चलो लगो अंदर, चलो करुणा बेटे बहुत इग्नोर मारता, करुणा बेटे देखेगा भी नहीं। नोनू आ गया घर, अब मैं चली, और फिर मुझे बुखार आने लग गया है। अगर आज ठीक हो गया तो ठीक है, वरना फिर छुट्टी रहेगी इसकी, तो फिर मैं कल पक्का दवाई लेके आऊंगी। गऊ जाने दो हमका, ये आंटी गाय से बहुत प्यार करती है, जिनका ये वाला घर है। अभी मैं इन पुल को देखती हूँ, फिर मैं अपने रेड कपड़े देखती हूँ, मैंने रेड कपड़े तो नहीं डाले हुए, अब आगे मैंने डाले भी हैं, पजामा रेड है, और मैं डर गई, मैंने यार ये पीछे पड़ जाते हैं रेड कलर देख के। इन बैलों की जिंदगी तब तक ही अच्छी, जब तक इंसान गरीब था, कम से कम इनको हल जोतने के काम में तो लिया करते थे, अब तो ये एवं डोला करते हैं, गली गली में मारते फिरते हैं, लोगों की गाड़ियों को चढ़ते फिरते हैं। ये मेरी दुकान ले लिया मैंने सामान, अब मैं जा रही हूँ घर, और ये सब बच्चे मेरा व्लॉग देखते हैं, और उन्होंने मुझे अभी भी बताया है कि YouTube पर वीडियो बनाती है ये दीदी। आते जाते मैंने उनको बोला कि ज़्यादा ज़्यादा देखा करो मेरा वीडियो, और गली मोहल्ले वाले सब्सक्राइब, अपने अपने लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आसपास के दूर दूर के करते हैं। हमारे पड़ोस में दो हमारे जो पड़ोसी हैं, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। बस हमारे घर के आसपास गाय खड़ी रहती है ना, तब आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। बस दिक्कत इस बात की है कि बस ना मारे तो बस खड़े रहें, मारने लग जाती हैं। ये नई नई गाय दिखती है, ये नई गाय दिखी आज मुझे, रोज कोई ना कोई गाय, और यहीं पर अड्डा बना लेते हैं, खड़े खड़े रहते रहते हैं। और पहुंच गई मैं अपने घर, यहाँ पर याद आ रहा है मुझे कि टमाटर भी लाने थे। कितना खुश हो रहा मेरा बेटा कि मैं चीज़ लेके आई हूँ, ये चीज तेरी फेवरेट चीज आई हूँ मैं, आज आज खुश हो जाएगा। ध्यान देंगे ये। तो गाइस आपको पता है ये देखो काय की टी शर्ट है, और ये सो रहा है इस टी शर्ट को पहन कर, इस टी शर्ट को पहन कर तुम्हें काम करना चाहिए, सो रहा है ये, जाके काम करो। सुबह ही लिया थी टमाटर और मिर्ची, तो ठीक था, एक चीज होती तो पड़ोसियों से मांग लेती, दो दो चीज खत्म है, मांगते हुए शर्म आएगी, इसलिए मैं जा रही हूँ दुकान और वहाँ से लाऊंगी हरी मिर्ची और टमाटर। बारिश ना पड़ जाए मैं छाता नहीं लेके आ रही। खाना बनाने का टाइम याद आया कि टमाटर भी नहीं है और मिर्ची भी नहीं है, फिर मैं गई थी ये दो चीज लेने के लिए, पर अंकल ने मुझे धनिया भी दे दिया मुफ्त में, कितना बड़ा दिल है। कर कभी कभी ना जब हम मांगते हैं तो नहीं मिलती चीजें, लेकिन कभी कभी बिना मांगे मिलती है। एक औरत मांग रही थी वहाँ पे खड़े होकर कि धनिया भी डाल दो, थोड़ी सी मिर्ची भी डाल दो, उसने नहीं डाली क्योंकि उन्होंने जो सामान लिया था उसको रेट भी कम कराया होगा। मैं दुकान जाती नहीं हूँ कि दुकान से आती नहीं हूँ, कि मेरे बच्चे मेरे को पूछने लग जाते हैं टॉफी लाओ ये लाओ वो लाओ, जैसे पता नहीं क्या बोलूँ, आगे भी बोलूँगी मम्मी आ गए मम्मी आ गए। हाँ तो ये मत सोचना कि मैं चीज़ लाई हूँ, ठीक है, हाँ चीज़ मैं लेके नहीं आई हूँ, टमाटर लेके आई हूँ मात्र, और शुक्र है टाइम पे पहुँच गई, अंकल ना नहाने जा रहे थे। यार सब्जी वाले की दुकान में गई थी और टॉफी टाफी में कुछ नहीं लेके आई हूँ, अब देखती हूँ फ्रिज के ऊपर कुछ पड़ा होगा तब। भैया नहीं है इसमें टॉफी, भले तुम देख लो नहीं है इसमें टॉफी, नहीं है इसमें बेटे टॉफी, नहीं लाई हूँ मैं। अभी सब चेकिंग करेंगे, ये भी चेकिंग करेगा वो भी चेकिंग करेगा। तो मैं बना रही हूँ दिन के खाने में आलू गोभी की सब्जी। अभी मेरे को जस्ट ऊपर से मैसेज आया है कि प्लीज़ आप लॉन्ग व्लॉग बनाया करो, तो ये बना ही रही हूँ, वैसे मैं बीमार हो रही थी इसलिए नहीं बना रही थी। खाना तो बन गया है मेरा, बस नोनू उठे उसके लिए गर्मा गर्म रोटी सेकूँ मैं, लेकिन वो इतना VIP है, उसका फ़ोन इतना बजता है इतना बजता है, मैं देख देख के जाती हूँ किस किस का बज रहा है, पता ही नहीं चल रहा, और उनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी कि उठा दूसरा। कितना प्यारा मौसम हो गया, मुझे तो बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ना हमारे लिए दुख की बात हो जाती है, मेरे हस्बैंड के लिए खासकर, उन्हें भीग भीग के जाना पड़ता है काम। तो जोमेटो राइडर की हो गई नींद पूरी और अब जाएगा काम पर, और हमारी लड़की का पता नहीं क्या होता रहता है, ये पीछे करती रहती है और रोती रहती है, अभी आई थी अब रोती हुई फिर रो रही है। ये बेचारा बादलों को देख देख के परेशान है यार, इन्होंने ऐसा डरा के रखा हुआ ना, इसका घर से निकलना भारी करा हुआ, ना गरज रहे है ना बरस रहे है, बस ऊपर आके ऐसे खड़े हो गए सर पे इसके, देख के सो जा रहा है बार बार बादलों को, चाय बनवा रहा है खाना खा रहा है, बस देख देख के ये टी शर्ट नहीं उतार रहा है, लेकिन हो गया जाने का टाइम इसका। ओके फ्रेंड्स बाय बाय टाटा, वाला वीडियो जाएगा बहुत लंबा इसलिए बाय।